नमस्कार। तो बड़ी विचित्र स्थिति है क्योंकि विचित्र कोरोना है। कोरोना का आज तक समझ नहीं आया कि ये कोरोना आम लोगों की शादियों में आता है, ये कोरोना क्रिसमस की पार्टियों में आता है, ये कोरोना ट्रांसपोर्ट में आता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बसेस में आता है, ट्रेन्स में आता है, ये कोरोना बाहर दुकानों में आता है, ये कोरोना रात में आता है। लेकिन ये कोरोना, इसकी क्या रिश्तेदारी है कि ये नेताओं की रैलियों में नहीं आता? इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कोरोना को लेकर लगातार नाइट कर्फ्यू लगाए जा रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, नए नए रूल्स बनाए जा रहे हैं। दर्शकों, देश में कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, हर जगह इसके नए नए केसेस सामने आने लगे हैं। मौजूदा हाल यह है कि देश में इस वक्त 600 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित हैं। सबसे ज्यादा मुंबई और दिल्ली का हाल बेहाल है। दिल्ली में दर्शकों, आपको बताऊं कि 165 से ज्यादा लोग ओमिक्रॉन संक्रमित हैं। ऐसे में 19 राज्यों में कोरोना को कंटेन करने के लिए, ओमिक्रॉन की जो लहर आई है उसको रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अब डे में क्या है वो समझेंगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू से क्या होगा ये भी समझेंगे। तो कोरोना के लिए, कोरोना को रोकने के लिए जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है उसको लेकर अभी तक किसी भी वैज्ञानिक ने, किसी भी डॉक्टर ने कोई भी फॉर्मूला नहीं बताया है कि आखिर कोरोना को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और जो दिन में रैलियां हो रही हैं उनमें कोरोना क्यों नहीं आ रहा। दर्शकों, दूसरी लहर के आसपास क्या हमने पश्चिम बंगाल चुनाव में वो भारी भरकम भीड़ नहीं देखी? क्या दूसरी लहर से पहले पश्चिम बंगाल के चुनाव में जेपी नड्डा साहब हों या ममता बनर्जी हों, इनकी रैलियों में क्या भारी भरकम भीड़ नहीं देखी गई? और इसके बाद दूसरी लहर में देश किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ, क्या वो तस्वीरें हमने नहीं देखी? सब पर विचार करने की, सब पर मंथन करने की आवश्यकता है। दर्शकों, आज देश में एक और कोरोना का नया वेरिएंट, मतलब कोरोना के परिवार का एक और सदस्य हमारे दरवाजों पर खड़ा है और हमारे नेता रैलियां लेकर खड़े हैं। यह बड़ी विचार की स्थिति है कि आखिर जो कोरोना चार लोगों की संगत में, चार लोगों के पंडाल में भी आ सकता है, दस्तक दे सकता है, वही कोरोना चुनावी रैलियों में क्यों भाग जाता है? वो कौन सा एंटीवायरस है जो इस भीड़ में, जो चुनावी रैलियों में होता है, जिसकी वजह से ओमिक्रॉन दूर भाग जाता है? जब कोर्ट भी कह रही है कि सरकार को इस ओर देखना चाहिए, तब सरकारें क्यों बच रही हैं? सरकार क्यों रैलियों पर पाबंदी नहीं लगा रही? चुनाव आयोग, हमेशा की तरह शांत रहने वाला आयोग, अभी भी शांत है। शायद भगवान हनुमान की तरह इन्हें अपनी शक्तियों के बारे में अंदाजा नहीं, तभी इनको ये मालूम नहीं कि किस तरीके से चुनावों को, देश में आती विषम परिस्थितियों को देखते हुए टाला जा सकता है। लेकिन टाला और ताला रैलियों में नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें नेताओं का भविष्य है, क्योंकि इसमें राजनीति है, इसमें वही राजनेता हैं जो आपके लिए, मेरे लिए और हम सभी के लिए कानून बनाते हैं। तो ऐसे में आज यही सवाल है और इस पर यही चर्चा है कि आखिर क्यों जो कोरोना क्रिसमस के फंक्शंस में आता है, त्योहारों में नजर आता है, भीड़ भाड़ में नजर आता है, चाय की दुकान पर नजर आता है, रात में नजर आता है, वो आखिर चुनावी रैलियों में नजर क्यों नहीं आता? दिल्ली में नए सेट ऑफ रूल्स तैयार कर दिए गए हैं। हम ये सेट ऑफ रूल्स पहले भी देख चुके हैं। जब कोरोना की पहली दस्तक आई तब भी हमने देखा कि किस तरीके से जिम्स को बंद किया गया, पार्लर्स को बंद किया गया। पहले मेट्रो में हाफ ऑक्युपेंसी चलाई गई, उसके बाद पूरी मेट्रो को बंद किया। रेलवे का भी यही हाल था, थिएटर्स का भी यही हाल था, शॉपिंग मॉल्स का भी यही हाल था, मार्केट्स का भी यही हाल था। तो इस बार जब हम लोग जागे हैं, जब हमको सब कुछ पता है, तो ओमिक्रॉन से लड़ाई में यह सियासत कहां से आ गई? तो रैलियों में कोरोना नहीं आता, क्योंकि कोरोना तो आता है आम लोगों के लिए। तो आम लोगों के लिए कोरोना है और रैलियों में कोरोना नहीं है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए प्रवेश तिवारी साहब हैं, नेता हैं बीजेपी से,
और दीपचंद जी हैं, नेता हैं कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही साथ डॉक्टर साहब भी हैं, डॉक्टर नरेश चावला जी, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं आप आईएमए से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। डॉक्टर नरेश चावला जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रवेश तिवारी जी, गाजियाबाद में बीते दिन योगी आदित्यनाथ जी की भारी भरखम रैली देखी गई। आज अखिलेश यादव जी की भी हमने उन्नाव में रैली देखी। प्रधानमंत्री मोदी आज कानपुर पहुंचे, योगी आदित्यनाथ जी भी साथ थे। रैलियों में भीड़ बहुत आ रही है। ये जो भीड़ बहुत आ रही है, ये बुलाई गई है या खुद आ रही है? प्रवेश जी, प्रवेश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रवेश तिवारी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है, एक बार फिर से स्क्रीन पर विजुअल्स लेंगे, पहले विजुअल्स दिखाएंगे और तब तक चीजों को ठीक करने की, संतुलित करने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, कोरोना रैलियों में क्यों नहीं आता और जनता के बीच आता है? नेता जो रैलियां कर रहे हैं, जो भारी भड़कम भीड़ को लेकर आ रहे हैं और उस भीड़ की तस्वीरें अपने ट्विटर हैंडल से, अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से सार्वजनिक कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस का मसौदा तैयार कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि रात में कर्फ्यू है, अगर बाहर निकले तो पुलिस की लाठी बरसेगी, और दिन में अगर उस नेता की रैली में नहीं आए तो भी समस्या। तो दिन में नेता की रैली में तो आना है, लेकिन रात में घर से बाहर नहीं जाना है। ये नेताओं का नया फरमान है, जो नए दौर के राजा हैं। इन राजाओं के लिए क्या कुछ कहा जा सकता है, इसको लेकर भी चर्चा होनी चाहिए। तो दिल्ली में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। क्यों? क्योंकि कोरोना का नया संक्रमण, नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर 19 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। डे कर्फ्यू की बात इसलिए नहीं होगी क्योंकि अभी रैलियां चरम पर हैं। तो इसको लेकर देश का जो माहौल है वो सवाल पूछ रहा है कि आखिर नेता अपने कंफर्ट जोन में, अपनी सहूलियत के हिसाब से फैसले दर फैसले लेते हैं, जिसमें जनता इन्वॉल्व होती है, लेकिन जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हैं वहां अपनी सहूलियत के हिसाब से खुद फैसले लिए जाते हैं। तो नेता रैलियों में भारी भरकम भीड़ को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं। मंडल अध्यक्ष, अपने नगर अध्यक्ष, अपने जिला सचिव को ऑर्डर देते हैं कि इतने सैकड़ा लोग लेकर आइएगा रैली में, और शाम को आदेश पारित करते हैं कि रात में घर से बाहर मत निकल जाना। तो दिन में नेता कुछ, रात में कुछ, इसको लेकर चर्चा की आवश्यकता है। इसलिए आज ये मंच प्रदान किया गया है, जिससे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रैली में क्यों कोरोना नहीं आता और रात में कोरोना कैसे सड़क है जाता। इसको लेकर बातचीत होगी, और शादियों को लेकर भी, कहीं 200 की लिमिट सेट की गई है, कहीं 20 लिमिट सेट की गई है, लेकिन रैलियों में देयर इज नो लिमिट, रैली में कोई लिमिट नहीं है। भरपूर आइए, हजारों की संख्या में आइए, लाखों की संख्या में आइए, जितनी ज्यादा जिस जिले, जिस विधानसभा, जिस शहर में भीड़ होगी उसी की तस्वीर नेता के ट्विटर अकाउंट, सोशल मीडिया से जारी होगी। वहां के जिलाध्यक्ष की पीठ थपथपाई जाएगी, नगर अध्यक्ष की पीठ थपथपाई जाएगी, लेकिन रात में अगर आप बाहर निकले तो आपकी पीठ भी अलग तरीके से थपथपाई जाएगी। तो ये दोहरी मार, दो कोरोना काल के छंदों से हम निकले, और तीसरा
जो काल कह लीजिए, वेव कह लीजिए, तीसरे दौर की महामारी कह लीजिए, तीसरे चरण की महामारी कह लीजिए, जब ये सब सर पर खड़े हैं तब नेता रैली में डटे हैं। इसको लेकर हमारे साथ एक बार फिर पैनल में अभी फिलहाल दो लोग जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दीपचंद नेता हैं कांग्रेस से, और साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, आप आईएमए से हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी, सबसे पहले तो मैं स्थिति को जानना चाहूंगा कि अभी ओमिक्रॉन को लेकर देश में क्या स्थिति है, जो थर्ड वेव की संभावित बात की जा रही है उसको लेकर क्या माहौल है, और इस बीच ये जो रैलियों में भारी भरकम भीड़ हमको दिख रही है ये कितना बड़ा खतरा है? देखिए मैं स्पष्ट बताऊं, 24 नवंबर तक टोटल शांति थी जब से सेकेंड वेव आई थी, जो कि हमें सबको याद है, जिसमें लाखों डेथ्स हुई हैं और मौतों के अलावा तकलीफें इतनी ज्यादा हुई हैं कि अगर हम सोचते भी हैं शायद ही हिंदुस्तान में कोई घर होगा, कोई परिवार होगा जिसका दायां बायां कोई नुकसान ना हुआ, तो पूरा लगता था परले आने वाली है, वो चीज हमें भूली नहीं है। उसके बाद जब मई में लॉकडाउन खत्म हो गया, धीरे धीरे केसेस कम होते होते सिर्फ केरला में और महाराष्ट्र में कुछ ज्यादा केसेस थे, ऑल ओवर इंडिया केसेस कम हो गए थे, हम सब शांत थे, लेकिन हमें साइंटिफिक और मेडिकल कम्युनिटी को मालूम था कि कुछ होगा जरूर, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ था। और 24 नवंबर को ये ओमिक्रॉन की फॉर्म में साउथ अफ्रीका में पहला केस हुआ, फिर होते होते अब तकरीबन 80-85 देशों में फैल चुका है, और इंडिया में भी ऑलमोस्ट हमारे 17-18 प्रांतों में ये फैल चुका है और केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो पहला तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इसलिए मत डरिएगा कि ये पर्टिकुलर वायरस जो अभी तक हमें मालूम है, जो क्लिनिकल डेटा है और जो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा है वो कहता है कि ये बहुत ही माइल्ड वायरस है, लेकिन ये इतना माइल्ड भी नहीं है, ये कब बिगड़ जाएगा वो कब, क्योंकि आप मत भूलिए इंग्लैंड में आज की तारीख में 1 लाख से ज्यादा केस हो रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड की पॉपुलेशन सिर्फ 7 करोड़ है और हमारे देश की पॉपुलेशन 138 करोड़ है। तो दैट वुड मीन कि क्या होने वाला है मैं किसी को पता नहीं है, लेकिन थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी, कितनी तबाही मचाएगी नहीं मालूम, लेकिन हमें ये मालूम है कि अगर हम कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेंगे, मास्क पहनेंगे, ये रिलीजियस गैदरिंग्स, पॉलिटिकल गैदरिंग्स, सोशल गैदरिंग्स को मेरे हिसाब से एकदम बंद होना चाहिए, लाखों की तो दूर, हजारों की 100 वाले भी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए मेरी अपील है देश की सरकार से, इलेक्शन कमीशन से, कोर्ट से, कि कुछ ऐसा करे जिससे कि आने वाली तबाही से हम बच चुके। मैं दर्शकों को एक आश्वासन देना पसंद करूंगा कि शायद ओमिक्रॉन कोरोना की आखिरी कड़ी हो सकता है, शायद जून जुलाई के बाद कुछ होगा ही नहीं, लेकिन उससे पहले जितनी तबाही हो सकती है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। केसेस कैन गो अप टू लैक्स। दिल्ली ने आज ही बहुत सख्ती से नाइट कर्फ्यू कल शुरू किया था और सख्तियां कर दी हैं, 20 ऊपर शादी में, फ्यूनरल में नहीं लोग जा सकते, क्लब्स जिम्स बंद कर दिए गए हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो इस सख्ती के नहीं कि कोई एक स्टेट कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा, इस सख्ती की जरूरत है। क्यों कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे देश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईसीयूज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो थोड़ा सा ढांचा कमजोर है। तो हम जैसे देश को तो ये कोशिश करनी चाहिए कि बीमारी को होने ही ना दें, जिसका मतलब प्रिवेंट करें। उसके लिए कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर प्लस वैक्सीनेशन, जो अब शायद 3 तारीख से बच्चों में भी शुरू हो रहा है, और 10 तारीख से पुराने जो कोरोना वॉरियर्स हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, या जो 60+ के लोग हैं जिनको कुछ उसी बीमारियां साथ में हैं, इनको बूस्टर डोज स्वीप की जा रही है। तो हमें सबको मिलके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट्स, नेशनल गवर्नमेंट, एनजीओज जैसी हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, इन सब मिलके एक इसको नेशनल मेडिकल इमरजेंसी माना जाए और चारों तरफ पे सख्ती की जाए, वही एक चीज है जो हमें बचा सकती है। तो हमारे साथ प्रवेश तिवारी जी भी एक बार फिर जुड़ गए हैं, नेता हैं आप बीजेपी से। प्रवेश तिवारी जी, आप और दीपचंद जी, आप दोनों ने भी सुना कि डॉक्टर साहब ने क्या बताया है। अब मैं प्रवेश तिवारी जी के पास पहले आना चाहूंगा। प्रवेश तिवारी जी, इस वक्त देश के 19 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है, उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल है। रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है।
शादियों में लिमिट सेट कर दी गई है, जिम्स में भी तैयारी है कि किस तरीके से जिमों को बंद किया जाए। बाकी जैसा जैसा दूसरी वेव के दौरान, पहली वेव के दौरान जैसे जैसे चीज़ों को बंद किया गया था, उसकी क्रोनोलॉजी भी नज़र आने लगी है। लेकिन सवाल ये है कि आपकी पुलिस रात में 11 बजे से लेकर 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का क्या सही ढंग से पालन करा रही है? ये सवाल है। 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का सही से पालन करा रही है? धन्यवाद आपका भाई साहब। आपने देखा था पिछली बार भी दो दौरान जिस तरीके से हमारे देश की पुलिस ने कार्य किया है, मेरी ख्याल से उस पर तो प्रश्न नहीं ही उठना चाहिए। हमारे मेडिकल के डॉक्टर, नर्सेस, आशा बहन जी और आंगनबाड़ी, मतलब हर व्यक्ति जिस तरीके से कार्य किया है, बड़े दुख के साथ हमें आपका बात मैं जवाब दे रहा हूं कि आप कह रहे हो कि क्या पुलिस सही ढंग से कार्य कर रही है। पुलिस ने जो कार्य किया है ये बड़ा सराहनीय है, ठीक है, इसमें कोई प्रश्न नहीं लग रहा। मतलब, लगना चाहिए, मतलब और आप जैसे भाइयों को तो और इनके मनोबल को उत्साहित करना चाहिए, न कि डिमलाइज करना। ठीक है, मतलब रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पुलिस व्यवस्थाओं को सही ढंग से लागू करा पा रही है, ठीक है ना मैं? ठीक है, अब सुबह 5 बजे के बाद, सुबह 5 बजे के बाद, 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे के बीच में जो बीजेपी के नेताओं की रैलियां हो रही हैं, भीड़ हो रही है, उस भीड़ को क्या पुलिस सही ढंग से व्यवस्थित कर पा रही है? बिल्कुल व्यवस्थित कर पा रही है, और चाहे वो रैलियां, जो भी आप रैली देख लीजिए, ठीक है, तो जनता का प्रेम है, अपार प्रेम है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है वहां पर, अभी आपने हम कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपने कहा कि रैलियां बुलाई जाती है, माननीय, मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें रैलियां बुलाई नहीं जाती है। ये लोग अपने दिमाग से नहीं जुड़ते, अपने दिल से जुड़ते हैं, ठीक है, ये दिल की पार्टी है, ये सबका साथ सबका विश्वास वाली मैं पार्टी देखे, है। मैं खुलकर देखे, अभी यहाँ लोग जान लेते हैं कि हमारे देश का नेता या हमारे प्रदेश का नेता जो हमें मार्गदर्शन कर रहा है उसकी रैली है, तो भीड़ अपने आप वहां पर आती है, मानने और वहां पर बुलाना नहीं पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी खुलकर, अभी देखिए ओपनिंग रिमार्क चल रहा है, फिर खुलकर बात करेंगे। तो रात के 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पुलिस जो सड़क पर निकलता है उसको वापस घर भेजने का काम करती है, जो ज्यादा काम ऐसा करता है उस पर मुकदमा भी होता है, लाठी भी पड़ती है, और दिन में 5 बजे से, ठीक है, चलिए लाठी नहीं पड़ती है, ठीक है, वापस भेज दिया जाता है समझा बुझाकर कि आप घर के अंदर रहिए, ओमिक्रॉन है, कोरोना का नया वेरिएंट आया है, आप अंदर रहिए। और दिन में 5 बजे से लेकर 11 बजे तक उसी भीड़ को पुलिस व्यवस्थित करती है। अगर मैं पुलिस वाला होता या आप पुलिस वाले होते तो सोच में पड़े होते कि रात में मैं क्या काम कर रहा हूं और दिन में मैं क्या काम कर रहा हूं, जिसमें जमीन और आसमान का अंतर है। क्या यह अंतर आपको समझ आता है? आपको समझ आता है? नहीं, वो अंतर खूब समझ में आता है भाई। ऐसा है कि जैसे रात में किसी प्रकार की गैदरिंग ना हो, या जैसे लोग, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं एक सेकंड, पर कोई आवश्यकता नहीं होती है वहां पर गैदरिंग करने का, जो देखो पर मतलब शादी में गैदरिंग नहीं होनी चाहिए ना, आप यही कह रहे हैं ना, रात में गैदरिंग होती है, शादी में, शादी क्या है, शादी थोड़ी ना बड़ी है, अब योगी जी की रैली बड़ी है, किसी की व्यक्तिगत शादी है, शादी रोका तो नहीं जा रहा ना, शादी का भी मेडिकल के अनुसार सरकार ने उसका भी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है, ठीक है, रोका तो नहीं जा रहा क्योंकि कोई चीज रोका नहीं जा सकता। तो फिर वायरस, तो फिर नाइट कर्फ्यू क्या है? नहीं, रोका नहीं जा सकता, फिर नाइट कर्फ्यू क्या है? नाइट कर्फ्यू क्या है, इसका क्या मतलब? नाइट कर्फ्यू यही है जैसे जिसकी शादियां हैं वो परमिशन ले रहा नहीं ले रहा, अच्छा, क्या वो दिन में हो सकती है? अगर वो दिन में हो जाती है तो कम से कम नाइट में गैदरिंग करने के लिए जितने मिनिमाइज किया जाए, ये सबके लिए, ये सबके लिए, कोई ये तो है नहीं कि ये सरकार के लिए या पुलिस के लिए, ठीक है, ये पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, कैसे बचा जाए, क्या क्राइटेरिया है, उसके लिए सरकार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है, करेगी, ठीक है। दीपचंद जी के पास पिछली बार भी देखा था,
ठीक है दीपचंद जी के पास आऊंगा, फिर बहस को खोल देंगे, फिर सब बोलेंगे, बात करेंगे, दीपचंद जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले वापस चलता हूं डॉक्टर नरेश चावला जी के पास। डॉक्टर नरेश जी, जैसा कि अभी बीजेपी के नेता जी ने बताया है, प्रवेश तिवारी जी ने, कि रात में गैदरिंग ना हो इसको रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू है, दिन में गैदरिंग ठीक से हो उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि रात में शादी जो हो रही है, क्या वो शादी दिन में हो सकती है? तो दिन में करा लीजिए, रात में मत कराइए। मतलब रात में कोरोना है और दिन में नहीं है, क्या ऐसा कोई वैज्ञानिक ऐसा कोई प्रमाण है या मेडिकल की तरफ से ऐसा कुछ कहा गया है कि रात में कोरोना आता है और दिन में नहीं आता है? तो चीजें जो रात में गैदरिंग करी जा रही है उसको दिन में भी करवाया जा सकता है, ऐसा कुछ प्रमाण है क्या सर? परिभाषित गलत तरीके से कर रहे हैं आप, परिभाषित ही गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, जो व्यवस्था दिन में सुचारू रूप से चल सकती है, आप वीकेंड क्यों जो है कर्फ्यू लगाया जाता है कि सैटरडे और संडे को गैदरिंग जो कम हो जाए तो वो छह दिन में काम कर लिया जाए, उसी कम से कम समय में हो जाए या रात में गैदरिंग हो जाए, इसके लिए गाइडलाइन दिया जाता है। थोड़ा क्लियर करिए, परिभाषित रात में गैदरिंग कम हो जाए या दिन में गैदरिंग कम हो जाए या गैदरिंग कम हो जाए? नहीं, दिन में हो या रात में हो, गैदरिंग में गैदरिंग कौन कर रहा है और कम से कम गैदरिंग में अच्छा से अच्छा कार्य क्या हो? चलिए ठीक है डॉक्टर नरेश भाई, शादी है, थोड़ा सा इतना समझा, जाहिर सी बात है कि कोरोना रात में ज्यादा तबियत खराब करता है, मतलब रात में इसका जोर जो है वो ज्यादा रहता है बजाय दिन के, ऐसा कोई प्रमाण है? ऐसा कोई भी कोरिलेशन दिन और रात का बिल्कुल नहीं है। इट इज ए फुल टाइम डिसीज, जैसा कि हम जानते हैं अभी ओमाइक्रोन हिंदुस्तान में थोड़ा कम फैला है, लेकिन जिस रेट पे ये बढ़ रहा है, हमारा पूरा डर है कि सिर्फ 3-4 हफ्ते की बात है, केसेस हजारों में नहीं होंगे, केसेस लाखों में हो सकते हैं। तो उससे पहले हमें अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए जो भरसक प्रयत्न हो, जिसमें कि जो हम कहते हैं मास्क जरूर पहना जाए, जिसमें कहा जाए गैदरिंग्स ना हो, 2 गज की दूरी मेंटेन हो, हाथों को सैनिटाइज करना और वॉश करना, अपनी इम्यूनिटी के लिए अपना खान पीन का ख्याल रखना, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। उसके लिए गैदरिंग्स तो बहुत ही बुरी चीज है, और हम तो कहेंगे एक जन से दूसरे जन अगर मिले भी तो 2 गज की दूरी मेंटेन करे, यही एक ओवरऑल एफर्ट हमारा होना चाहिए। ठीक है चावला साहब, ये तस्वीरें भी आपके ऊपर दिख रही होंगी, आप देख पा रहे हैं तस्वीरें जो छोटी खिड़की में दिख रही है आपको, ये छोटी खिड़की में जो भीड़ की तस्वीरें हैं और आपकी जो बातें हैं, ऐसा लग रहा है इनके बीच में बहुत बड़ा समय का अंतर रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस वक्त कोरोना इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि मास्क लगाना जरूरी है, दूरी बढ़ाना जरूरी है, गैदरिंग की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये तस्वीर कल और परसों की ही है, तो बेवकूफ कौन हो रहा है इस वक्त, मैं जानना चाहता हूं बस चावला जी आपसे। देखिए आई थिंक आई नॉट ट्राई टू मेक एनी पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट हर जन की, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई एनजीओ हो, हम सबका एक मिलकर एफर्ट होगा कि जिससे मैसेज लोगों को साफ पहुंचे, भाई अगर हमें सेकंड लहर जैसा मंजर नहीं चाहिए तो हमें आज ही एक्शन लेनी पड़ेगी। इट ऐसा ना हो कि ये कुछ बहुत लेट हो जाए, बीमारी फैल जाए, उसको प्रिवेंट करना ही हमारी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है चलिए, तो चावला साहब बता रहे थे कि देर ना हो उससे पहले ही प्रिवेंट करने की आवश्यकता है। तो ऐसे हमारे साथ जावेद खान साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। अब मैं वापस जरा प्रवेश तिवारी जी के पास आऊंगा, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगा। तो प्रवेश तिवारी जी, आपने डॉक्टर नरेश चावला जी को सुना होगा, इसको प्रिवेंट करने की आवश्यकता है, रात में नहीं दिन में भी। जी जी, हमने भी आपसे क्या बोला, हमने आपसे कहा कि सरकार यही गाइडलाइन पे ही कार्य कर रही है और इसी गाइडलाइन पे कार्य किया भी था। अरे सरकार कहां कार्य कर रही है, सरकार तो रैली भीड़ जुटा रही है। सरकार कहां नहीं काम कर रही है, सरकार तो भीड़ जुटा रही है। आपने बोला कि जहां जहां आपने बोला, आपने बोला कि जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं, आपने बोला जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं जनता भागी चली आ रही है। सरकार आपने कहा जहां जहां कार्यक्रम हो रहे हैं जनता भागी चली आ रही है, आप कार्यक्रम खुद रख रहे हैं, आप कार्यक्रम खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और जनता भागी चली आ रही है, तो आप ये काम कर रहे हैं। कार्यक्रम मिनिमाइज, इसलिए कार्यक्रम को मिनिमाइज क्यों किया जा रहा है, उसको व्यवस्थित व्यवस्था के अनुसार ही कार्यक्रम कराया जा रहा है। सरकार अपने कार्यों के लिए इतना प्रतिबद्ध है कि आपने भी देखा था कि जिस तरीके से
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस कोरोना को कंट्रोल किया है। मैं अपने मुंह से बड़ी बात नहीं कहना चाहता, चलिए इधर आइए, ओमिक्रॉन पर आइए, यही कोई ये तस्वीरें देखिए तो देश की क्या दुर्दशा होती है, आप ही अंदाजा लगा रहे हो। आप ठीक है, एक बार जरा फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइए, फुल स्क्रीन पर जरा, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कहो कि मोदी और योगी के अलावा अगर कोई होता तो देश की क्या दशा होती, और नहीं तो मोदी योगी जी की क्या सराहना हुई थी। फुल स्क्रीन एक बार तस्वीरें लीजिएगा जी। जी ठीक है, तो ये आपने कंट्रोल अच्छा किया, कंटेन अच्छा किया, ठीक है, उस पर बाद में बहस करेंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं जी जी कुछ और कह रही हैं। आप कह रहे हैं कि जिस हिसाब से हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं और ये तस्वीरें जिस हिसाब से हमें व्यवस्था दिखा रही है, बहुत अंतर है। नहीं नहीं, वो गाइडलाइन के अनुसार, ये कौन सी गाइडलाइन है, ये कौन सी गाइडलाइन है, जरा तस्वीरों का पीसीआर महोदय से अनुरोध करूंगा, जरा तस्वीरों को लीजिए, फुल स्क्रीन तस्वीरों को देख रहा हूँ मैं। अगर भारतीय मैं अगर नेता भारतीय जनता पार्टी हूँ, हमें उस तस्वीर का भी पता होगा, हमें उस प्रोग्राम का भी पता होगा, हमें देश की भी पता होगा। आप जो बातें बोल रहे हैं मतलब टीवी स्क्रीन पर विजुअल चल रहा है, आप जो बातें बोल रहे हैं टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें चल रही जी जी, आप बोलते रहिए, बोलिए। ये व्यवस्थाओं के साथ की गई रैली है, आप ये कह रहे हैं यहाँ पर पूरा वायरस ना फैले इसका ख्याल रखा जा रहा है, आप ये कह रहे हैं रात में, देख लीजिए हमारे पास पहले मास्क की व्यवस्था नहीं होती थी, मास्क की व्यवस्था हुई, सैनिटाइजर की व्यवस्था, देख सकते हैं बीजेपी नेता प्रवेश तिवारी कह रहे हैं मास्क की व्यवस्था नहीं होती थी, अब मास्क की व्यवस्था है। ये देखिए योगी आदित्यनाथ जी कितना सुनहरा मास्क लगाए हैं, नीचे एक एक शख्स को देखिए कितना अच्छा मास्क लगा हुआ है, सबके पास मास्क की व्यवस्था है। अब योगी आदित्यनाथ जी के पास आप देखिए गमछा भी है, आप देखिए पहले, अरे मेरे भाई पहले आप देखिए योगी आदित्यनाथ जी के पास गमछा है या नहीं है। हाँ गमछा है, समय ये देखो मैं तो कह रहा हूँ मास्क भी लगा है, योगी आदित्यनाथ जी के मास्क भी लगा है, जी नीचे जितनी पब्लिक दिख रही है सबके मास्क लगा है, मुंह ढक लेता है, बोलते समय गमछा नीचे कर लेता, गाइडलाइन अगर वो अगर इतने बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो योगी जी को बताने की जरूरत नहीं है, योगी जी खूब अच्छी तरीके से जानते हैं बिल्कुल। और कभी भी आप देख लिए योगी जी जब भी कहते हैं मास्क को कहते हैं हाथ सैनिटाइजर करने के लिए गाइडलाइन स्वयं देते हैं, और जिस तरीके से योगी जी जैसा आदमी को अगर आप इस तरीके, कोई ऐसा व्यक्ति होगा नहीं कि जिसके ऊपर आप प्रश्न नहीं उठाओगे। ठीक है ठीक है, योगी जी से अलर्ट आदमी के ऊपर आप कह रहे हो, ठीक है। अभी मेरा पीसीआर इस ईयर पीस पर बता रहा है कि वो बिना मास्क के गए थे बाहर, उनका चालान कट गया, अपना प्रवाह नहीं किया, उनका चालान कट गया, उन्होंने जेब में रखा मास्क, उन्होंने मास्क जेब में रख लिया कुछ समय के लिए, उनका चालान कट गया। अब योगी जी तो महाराज हैं और मास्क क्या गमछा लगाए हैं जी जी, मैंने कहा नहीं नहीं, वो आप ऐसा है ना कि आप लोग को पता नहीं कहां से न्यूज मिलती है कि जेब में रख लिया, अरे हम लोग भी यही चलते, हम लोग तो नहीं कभी देखे कि जो जेब में मास्क रख लिया उसका चालान कट गया। भाई गाइडलाइन दे दिया सरकार, गाइडलाइन है ओमिक्रॉन को लेकर, कोई गाइडलाइन है या नहीं है बताइए, सेवा करते हैं ओमिक्रॉन को लेकर, कोई गाइडलाइन है या नहीं है, हवाई बातें मत करिए, ओमिक्रॉन को लेकर कोई गाइडलाइन है या नहीं है, प्रिवेंशन करना है, बचाव करना है, हाँ या ना, प्रिवेंशन रात के अलावा, नाइट कर्फ्यू के अलावा कुछ प्रिवेंशन करना है, ओमिक्रॉन को रोकना है, हाँ या ना। सरकार तैयार है, सरकार यहाँ पर टीवी चैनल बैठ करके हम लोग नहीं तय करेंगे, तो कहाँ तय करेंगे, कहीं तो तय करिए, कहीं तो तय करिए, एंकरिंग करके, या हम टीवी सरकार ने तय नहीं किया है। आज हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था आप देख लीजिए पहले की क्या व्यवस्था थी, आज हमारे पास आप मास्क चाइना से बन के आता था, आज हमारे यहाँ आप देख लीजिए पीपी किट हमारे यहाँ नहीं होता था, आप पीपी किट देख लीजिए, सारी व्यवस्थाएं सारी गाइडलाइन, आपको एक आईना दिखाता हूँ, प्रवेश तिवारी जी आपको एक आईना दिखाता हूँ जी जी जी, डॉक्टर नरेश चावला जी जी बस इस वजह से नहीं बोल पा रहे, अरे क्योंकि उनको उनको पता है कि पॉलिटिकल कमेंट हो जाएगा और ये शोभा नहीं देता उनको कि पॉलिटिकल कमेंट किया जाए, और जो आपके सपा के जो साथी हैं जो विपक्ष की भूमिका में हैं और कांग्रेस की भूमिका में जो हैं आपके साथी, ये लोग इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि ये भी रैली कर रहे हैं, और आप सबकी मिली जुली भगत से, आप सबके अपने हितों से, आप सबके अपने स्वार्थ से जो जनता का जो नुकसान हो रहा है वो सब देख रहे हैं, और आप जो कुछ बोले अभी तक प्रवेश तिवारी जी जो कुछ बोले वो तस्वीरों के साथ मैंने दिखाया, तस्वीरों के साथ मैंने दिखाया, और आप तस्वीरों के होते हुए आप झूठ बोल रहे हैं, आप तस्वीरों के होते हुए झूठ बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मास्क लगा रहा है आदमी, आप कह रहे हैं कि रैलियों में जो भीड़ आ रही है उसको व्यवस्थित किया जा रहा है,
तस्वीरों के होते हुए झूठ बोल रहे हैं, तस्वीरों के होते हुए आप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति नहीं है, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा सबके पास गमछा है कि नहीं है, सबके पास मास्क है, जेब में आदमी रख लेता, सबके पास गमछा है, क्योंकि जब आदमी बात करता है तो गमछा टाल तो गमछे से लपेट। आज आपको एक कहानी सुनाता हूं, हालांकि थोड़ी सी देर हो रही है, बाकी गेस्ट के पास जा रही है, उससे माफी चाहूंगा। एक कहानी सुनाता हूं, काफी साल पहले एक जगह रिपोर्टिंग की थी, वहां पर यह था कि एक कुआं था, कुएं के ऊपर इतनी ज्यादा पेड़ गिरते गिरते इतनी घास जम गई थी कि पता नहीं चलता था यहां कुआं है। लोग आते थे, कई लोग उसमें गिर गए और कई लोगों को पता भी नहीं लगा कि वो कहां का है। ये छत्तीसगढ़ के गांव का मामला है। आज वही कुआं आप हैं और आम जनता गलती से आकर उस कुएं में गिर रही है और आप उसे गिरा रहे हैं। आप रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, आप कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, आप कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, आप गलत हैं, आप गलत हैं, आप कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं, आप जनता को बुला रहे हैं, आपकी बसों में बैठ बैठ कर जनता आ रही है, भीड़ हो रही है, ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, कल को क्या हालात होंगे ये किसी को नहीं पता। मुझे माफ कीजिएगा अगर थोड़ा ज्यादा क्रोध में कोई बात कह दी जाए, लेकिन एक बात बताइए, नहीं 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 नहीं, आप जनता को बुलाकर कार्यक्रम करवाते हैं, पहली बात तो लाखों की संख्या में भीड़ बुलाते हैं और भीड़ को लेकर अपनी खुद की पीठ थपथपाते हैं और ओमिक्रॉन को रात में काबू करने की बात करते हैं। बड़ी विचित्र स्थिति। आप डॉक्टर चावला साहब से पूछ लीजिए, ये गाइडलाइन किसका देन है, ये गाइडलाइन किसने दिया है, ये गाइडलाइन मेडिकल मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, मेडिकल डायरेक्टर, चिकित्सक, WHO, ये गाइडलाइन। कौन सी गाइडलाइन दी है, एक सेकंड, फिर झूठ बोल रहे हैं आप। कौन सी गाइडलाइन दी है WHO ने कि दिन में रैली करने की छूट होती है, रात में नहीं होती? नहीं, कौन सी गाइडलाइन, WHO ने गाइडलाइन दी है? नहीं, बोल लीजिए। मैं कह रहा हूँ मास्क लगाना गाइडलाइन दिया गया, सैनिटाइजर गाइडलाइन दिया गया कि नहीं दिया गया, गैदरिंग कम गाइडलाइन दिया गया, 2 गज की दूरी गाइडलाइन दिया गया। ये आज पहले जनता बिल्कुल अंधेगी, आज जनता बिल्कुल भेज्ञ हो चुकी है कि हमको 2 गज की दूरी बनाए रखना है। फिर तस्वीरें चलाओ, नेताजी जैसे जैसे बोलेंगे तस्वीरें फिर चलेंगी। तस्वीरें चलाइए नेताजी की रैली की। हाँ, वहां पर नेताजी की रैली में अगर हम वहां पर गए हैं तो क्या वहां हाथ धुलने लगे? अरे वहां से जैसे हटेंगे अपना हाथ धुलेंगे, मास्क लगाएंगे, अपना जिसके गमछा है गमछा बांधेंगे, उसके बाद अपने अपने घर जाएंगे। अब अपने नेता को देखने के लिए अगर जनता वहां पर आ जाती है और नेता कोई भी कार्यक्रम अगर करते हैं तो क्या कह देंगे, नहीं यहाँ पर मत आओ, बस यही नेता कार्यक्रम क्यों करते हैं इन फर्स्ट प्लेस? जब ओमिक्रॉन का खतरा है तो नेता कार्यक्रम क्यों करते हैं? नेता वो कुआं क्यों बनते हैं कि उसमें जनता अगर गिरे? गाइडलाइन में, अरे किसी चीज का उद्घाटन है या किसी भी चीज का समारोह है तो वहां पर इसलिए जाएंगे कि नेता का काम। अभी योगी चुनावी कार्यक्रम है, चलिए स्क्रीन पर आइए, चुनावी कार्यक्रम है, जब चुनावी कार्यक्रम है, ड्रामा का भी एक लिमिट होता है। सरकार बचा कर रखिए, ठीक है, वहां पर जाती थी, ठीक है। डॉक्टर नरेश चावला साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मेहमानों पर आऊंगा। डॉक्टर नरेश चावला जी, मैं कहूंगा कि ये समय वो समय आ गया है कि हमें राजनीति से ऊंचा उठ के, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को और पीएम साहब को और गवर्नमेंट को सुझाव दिया है कि इलेक्शंस पोस्टपोन किए जाएं, जैसी स्थिति अगले 1 या 2 महीने में होने वाली है वो खुलेआम डिमांड करती है कि हमें देश में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जाए। ऑलमोस्ट इतनी 18-19 स्टेट्स का नाइट कर्फ्यू लगाना और दिल्ली गवर्नमेंट का आज भी ये ऐलान करना कि इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं, तो मेरी आम जनता से, राजनीतिक पार्टियों से, उस सब राजनेताओं से एक अपील सी है, 2 महीने के लिए शायद ये रोका जाए, उसके बाद ये जैसे ओमिक्रॉन का खतरा जब टल जाएगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। तब तक हम में से कोई भी नहीं चाहता कि वैसी इमरजेंसी जैसी कि हमने दूसरी लहर में देखी थी वैसा ना हो। इतनी तकलीफें, इतना दुख, इतनी बीमारी, इतनी शॉर्टेजेस, इतनी मौतें, नोबडी वांट्स कि ऐसा दोबारा हो। तो मेरी आम जन से अपील है एज ए मेडिकल एक्सपर्ट कि इसको सख्ती से लागू किया जाए, सख्ती से लागू। अभी तक हमारे दर्शकों ने प्रवेश तिवारी नेता बीजेपी को सुना और साथ ही साथ डॉक्टर नरेश चावला जी को सुना।
अब दर्शक खुद अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से फैसला कर लें। हमारे साथ दीपचंद जी, नेता कांग्रेस भी जुड़े हुए हैं। आज आप बीजेपी को घेरेंगे नहीं, बोलिए हां, क्योंकि जो इनके काम हैं वही आपके काम हैं। आप भी रैलियों में मशगूल हैं, आप भी दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में देखिए कितनी भीड़ आ रही है, इसलिए आज आप बीजेपी को टोक नहीं पा रहे हैं, बोलिए हां। कविंदर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। चार राज्य चुनाव के बाद जो स्थिति क्या राज्यों को बुलाया, क्या विपक्ष को बुलाया, किसी राजनीतिक दलों को बुलाया कि भी आने वाले समय में किसी लहर अगर आती है तो हमें हमारे चुनाव का पैटर्न होगा, हमारे चुनाव का वोटिंग का पैटर्न ये होगा, हमारे चुनाव की रैली का पैटर्न ये होगा। नहीं, आप किसी विपक्ष पार्टी से बात तो करते, ये बात की बात है कि कोई भी विपक्ष पार्टी मना करती या आपका हाँ कहती वो आपको अलग बात थी, पर केंद्र सरकार ने ऐसा नहीं किया। मैं चुनाव आयोग के ऊपर भी उंगली नहीं उठाऊंगा, चुनाव आयोग की जो नीति है वो बिल्कुल, उनकी गाइडलाइंस है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कांग्रेस पार्टी की सीट में आती है, कहीं ना कहीं सभी पार्टियां आती है कि हम उस गाइडलाइंस की सही तरह से पालना नहीं करते हैं। और अभी परवेश भाई जी ने बोला था ना कि उत्तर प्रदेश में बहुत विकास हुआ है, अरे चार साल में परवेश जी एक भी विकास नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी कोई भी आप मुझे साढ़े चार साल की एक भी उपलब्धि बता दो जो योगी सरकार ने की है, कि आप बीजेपी को इसलिए आज नहीं टोक सकते क्योंकि आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आप भी अपनी रैलियों में भीड़ की खूब प्रशंसा कर रहे हैं, आप इस डिबेट को क्यों डिरेल करने के लिए कि विकास बताइए कितना हुआ कितना नहीं हुआ, विकास बाद में तौलेंगे और खूब तौलेंगे, लेकिन अभी ये बताइए कि आज अपने आप को आप कहां आंक रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला जी को इसलिए सबसे पहले लिया था, उनका वक्तव्य इसलिए सबसे पहले रखा कि आप लोग देखें और झांकें कि आप सब कहां हैं। आज अगर आप थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए अपनी रैलियों पर, अपने कार्यक्रमों पर अपना स्वार्थ ना देखते हुए अगर लगाम लगाने की कोशिश करते तो आज आपके पास नैतिक अधिकार होता कि आप बीजेपी पर आरोप लगा सकते थे कि आप ये क्या कर रहे हैं, जनता आपको माफ नहीं करेगी, लेकिन आपके पास वो नैतिक अधिकार आज नहीं है। मतलब जब तक मोदी जी नहीं कहेंगे तब तक आप नहीं रुकेंगे, आप भी खूब रैली करेंगे, राहुल गांधी जी भी खूब रैली करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी खूब रैली करेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने रैली नहीं बंद की है। आप नरेंद्र मोदी को देख कर पॉलिटिक्स करते हैं, अरविंदर जी ये बात गलत है, नहीं मोदी ये बात है, नहीं मैं जितनी बात आपकी समझ पाया, आपने ये कहा कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी वो क्यों नहीं अपनी रैलियों को स्थगित कर रहे हैं, वो क्यों नहीं रुक रहे हैं, अगर वो रुक जाएंगे तो हम अपने आप रुकना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूँ कि आप उनको देख कर राजनीति सीख रहे हैं क्या? ये विपक्ष की गाइडलाइंस है, विपक्ष को पहल करनी चाहिए। मतलब गाइडलाइंस नहीं आएगी, वो गलत कर रहे हैं, गाइडलाइंस नहीं बना रहे हैं, दिन के लिए अपनी रैलियां कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, आपकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं, कोई नैतिक विचार नहीं आपके मन में कि ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं तो हमको अपनी, वो नहीं रोक रहे, कोई बात नहीं हम रोकते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जान हम बचाएंगे, उनके अंदर कोरोना संक्रमण ना हो हम अपनी रैलियां स्थगित करते हैं, रोकते हैं। ऑनलाइन माध्यम है, आजकल हजारों ऑनलाइन माध्यम है, उसके जरिए हम अपना प्रचार प्रसार करेंगे। और चुनाव आयोग को तो चाहिए अभी तक कि चुनाव को स्थगित करें, जैसा चावला साहब अभी कह रहे थे। यही है,
कह रही थी भारतीय जनता पार्टी एसपी बीएसपी सब अपने घरों के अंदर जिसने जम्मू कश्मीर से लेकर तक योगदान किया। आपके पास कोई नैतिक अधिकार है इनको टोकने का, इनको बोलने का? बस इसका जवाब दीजिए, कोई नैतिक अधिकार है आपके पास? जनता आपको देख रही है, कोई नैतिक अधिकार है आपके पास? इनको रोक सके आप, इन पर आरोप लगा सके आप, है कोई नैतिक अधिकार? आप समझा करो, देखो सरकार चलती है मर्यादा से, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ेगा। अरे चुनाव आयोग तो इस देश के चुनाव आयोग के बारे में तो जितनी पंक्तियां लिखनी जाए उतनी कम है। इस देश का चुनाव आयोग किस तरह से काम करता है, कब काम करता है, वो अपने आप में दुर्लभ है। ऐसे हमारे साथ जावेद खान, प्रवक्ता सपा, भी काफी देर से जुड़े हुए हैं। आपसे माफी चाहूंगा, काफी समय लग गया आप तक आते आते, लेकिन जो सवाल कांग्रेस से, जो सवाल बीजेपी से, वही सवाल आपसे। कोई है नैतिक अधिकार कि आज सरकार को रोक पाए, बोल पाए, टोक पाए? बचा कुछ? आज उन्नाव में अखिलेश यादव की इतनी भारी भीड़ वाली रैली देखी, क्या है ये सब? नहीं नहीं, क्या है ये सब, इसको आप कई पहलुओं से, तीन पहलू इसमें महत्वपूर्ण, एक संवैधानिक पहलू है, एक मानवीय पहलू है, और एक ये संक्रमण का भी पहलू है। ठीक, आप अगर हम रैली ना करें, हम चुनाव की तैयारी ना करें, तो अभी यही सवाल होगा कि समाजवादी पार्टी अपना जन समर्थन, जन विश्वास खो चुकी है। ओके, अब आप देखे, सवाल ये नहीं खड़ा किया जाएगा, हम करें तो खराब है और न करें तो खराब है। अब जरा उसको समझ लीजिए, जो डॉक्टर नरेश चावला जी ने कहा, आप जरा देखिए, फिर आप कहेंगे कि जब मोदी जी रुकेंगे, मोदी जी से आप सीखेंगे, मोदी जी नहीं थे तो क्या देश नहीं था? 2014 के पहले क्या देश नहीं चल रहा था? मोदी जी इतने सर्वज्ञानी हो गए कि सब उनके पीछे राजनीति सीखेंगे। इस देश में मोदी जैसे लाखों महामानव हैं, वो एक समय की बात है कि वो उस जगह पे नहीं है जहां वो पहुंच गए। हमको ये बता दीजिए, जब सेकेंड वेव थी तब उस समय डॉक्टर गुलेरिया साहब ने, डॉक्टर नरेश चावला जी बैठे हैं, सबसे पहले भविष्यवाणी की थी कि दूसरी लहर बहुत घातक होगी। क्या बंगाल के चुनाव रुक गए? आपने आज फिर, ठीक है, आज फिर वही स्थिति है, आज फिर वही स्थिति है, आज भी डॉक्टर कह रहे हैं आप बंगाल चुनाव में जा रहे हैं। मुझे पता है कि आप वहां पर रैली नहीं कर रहे थे, आप बंगाल चुनाव में जाएंगे। आज आप अपने आप में अपने गिरेबा में झांक कर देखिए आप क्या बोल रहे हैं। आप कह रहे हैं जब दूसरी लहर की संभावना थी तब पश्चिम बंगाल में बीजेपी रैली कर रही थी, बिल्कुल कर रही थी, ममता बनर्जी भी रैली कर रही थी। आज उत्तर प्रदेश में तीसरी संभावित जो लहर है उसकी हर तरफ बात हो रही है, और आज आप रैली कर रहे हैं। आप सुनिए जावेद जी, आज आप रैली कर रहे हैं, आप में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। नहीं नहीं, फर्क नहीं, आपके पास कोई अधिकार नहीं है बोलने का? नहीं, क्या अधिकार क्यों नहीं है, तो फिर बुला क्यों लिया? फिर मैं आपको अब ये पूछ रहा हूँ कि आप अपनी रैली क्यों नहीं रोकते, आप अपनी रैलियां क्यों नहीं रोकते? मैं इस तरीके से जवाब नहीं कोई दे सकता है। आप धमका के जवाब लेंगे काबेन जी, या आप लज्जित करके जवाब लेंगे, तो ये तो नहीं है। आपको विपक्ष की भी बात सुननी है, सत्ता पक्ष की भी बात। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपको बोलने का पूरा समय दे रहा हूँ, मैं आपको बोलने का। देखिए आप मेरा, ठीक है, इसके तीन पक्ष हैं, मानवीय पक्ष भी है, संवैधानिक पक्ष भी है, और संक्रमण का भी एक पक्ष है। मैंने तो एक बड़े डॉक्टर के सामने भी मैं बैठा हूँ, मैं, मेरी बात अगर कहीं अन्यथा हो तब आप सवाल करें। मैं तो कह रहा हूँ कल चुनाव आयोग की और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की क्या बातचीत हुई। केंद्र सरकार भाई सारा तो सत्ता में तो कौन है, हम तो विपक्ष में है, हम सवाल उठाएंगे, सत्ता पक्ष जवाब नहीं देगा, और जवाब देगा तो कहेगा कि ये जो है कमजोर। आप सवाल उठाइए ना, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, विपक्ष की भूमिका में है आप, विपक्ष की कुछ भूमिका होती है, आप सवाल उठाइए, आप इनको टोकिए, इनको रोकिए कि ये क्यों इतनी भारी भारी भीड़ लेकर चल रहे हैं आप। मैं
मैं कह रहा हूँ कि मैं तो वही बात कह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव की जोर जबरदस्ती के साथ उत्तर प्रदेश में उस लहर में कराए गए, क्या वो सबने नहीं देखा? कल चुनाव आयोग जिसको जो संवैधानिक संस्था है और जो किस रूप में है आज की स्थिति में, उसकी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ क्या बात हुई है? जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी क्या बात, उनकी क्या? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। उस राय पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और चुनाव आयोग ने क्या मंथन किया है? सवाल इस बात का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कौन सी गाइडलाइन आई है, निश्चित रूप से ओमिक्रॉन के साथ साथ डॉक्टर नरेश चावला जी बैठे हुए हैं, डेल्टा और ओमिक्रॉन का भी कोई कंबाइंड वेरियंट की संभावना डेल्विक्रोन के नाम से आ रहा है। अगर हम मानवीय पक्ष से देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि जन हानि ना होने पाए किसी भी कीमत पर, और जन हानि रोकने के साथ साथ संवैधानिक जो क्रियाकलाप है, जो संवैधानिक संगठनों के दायित्व है, उसका भी कहीं उल्लंघन ना होने पाए। ठीक है, लेकिन पहली प्राथमिकता जो है वो जन हानि को रोकने की निश्चित रूप से होनी चाहिए, इसके लिए प्रयास होने चाहिए। हम लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे पास एक्सपर्ट की कमी नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स की कमी नहीं है, हमारे पास वैज्ञानिकों की कमी नहीं है। आखिर लोकतंत्र तो समन्वय के आधार पर चलता है, और यहाँ पर पिछले 7 वर्षों में आप भी देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से लोकतंत्र को एक पहिए पर चलाने का प्रयास किया जा रहा, और इसके पीछे एक और भी पहलू है कि जिस तरीके से जनता ने सरकार की नाकामियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार किया है, उसके लिए भी ये भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। यही सब कारण है कि आज जो जो सकारात्मक पहलू है, जो नकारात्मक पहलू है, उस पर कोई सकारात्मक बहस नहीं होने जा हो पा रही है, और चीजों को इधर उधर भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने तीनों पहलू पर बात की है कि हमारी पहली प्राथमिकता जो है जन हानि को रोकने की है, संक्रमण को भी रोकने की है, लेकिन उसके लिए पूरे जो अधिकार है तो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण है, और चुनाव आयोग केंद्रीय जब स्वास्थ्य सचिव से बात कर चुका है तो पब्लिक डोमेन में भी ये बात आनी चाहिए, चाहे वो चुनाव आयोग की तरफ से आए, चाहे सरकार के स्वास्थ्य सचिव की तरफ से आए, या सरकार की तरफ। आपने बहुत समझदारी के साथ बड़े अच्छे जवाब दिए। आपने जब अपनी बात को रखा, शुरू किया, तो आपने सबसे पहले कहा कि अगर हम रैली नहीं करते हैं तो ये कहा जाएगा कि हम जन समर्थन खो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आपने कही कि अगर हम रैली नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे कि हम जन समर्थन खो रहे हैं। उसके बाद आपने कहा कि जन हानि भी ना होने पाए, फिर आपने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जन हानि ना होने पाए, फिर आपने कहा कि अधिकार जो है इसको रोकने का वो केंद्र सरकार के पास है और साथ ही साथ चुनाव आयोग के पास है। अब आप मुझे अपने तर्कों को, सारे तर्कों को मिलाकर एक बात बताइए कि जन समर्थन खोना, इसका टैग लगना कि आप जन समर्थन खो रहे हैं, यह आपको ज्यादा विचलित करता है या आपकी रैली में लाखों की भीड़ आई जिसमें से हजारों लोग संक्रमित हो गए, यह आपको ज्यादा विचलित करेगा? देखिए, विचलित होने की जहां तक बात है, देखिए जब संक्रमण किस तरीके से होगा, आप बताइए कि पूरी छूट सरकार ने जब दे दी, छूट आपको दे दी, मतलब सरकार ने आपको छूट दे दी, सरकार ने आपको छूट दे दी, इसलिए आप रैली कर रहे हैं। पहले कावेन जी, आप बात को समझिए। अभी हमारे भाजपा के विद्वान प्रवक्ता मित्र कह रहे थे कि जो दूरी का मामला है, सैनिटाइजेशन का मामला है, आपने जनता को पूरी तरीके से आजादी दी, हमको आजादी दी और स्वयं भी आजाद है। आप बताइए कि स्पेशल ट्रेन के नाम पर दुगना किराया, 3 गुना 4 गुना 5 गुना तक वसूला जाए, क्या 2 गज की दूरी का पालन जो गाइडलाइन थी पूर्व में, क्या उसका रेल में हो रहा है, क्या एयर में हो रहा है, क्या रोडवेज की या प्राइवेट बसों में हो रहा है या निजी वाहन में? किस नैतिक अधिकार से ये सवाल उनसे पूछ पा रहे हैं जब ऊपर खिड़की में आपकी भी तस्वीरें चल रही हैं, आज उन्नाव की तस्वीर चल रही है? मैं उससे इनकार नहीं करता, ये जनता आई है हमारे नेता अखिलेश जी को सुनने के, मतलब अखिलेश जी ने ये कार्यक्रम रखा जहां पर जनता को बुलाया। ओमिक्रॉन जबकि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, संक्रमण हो रहा है, इसके बावजूद अखिलेश यादव पहुंचे,
कार्यक्रम रखा और जनता को बुलाया। आपने भी देखा कि अखिलेश जी जब डिंपल जी को ये एहसास हुआ तो उन्होंने अपने को क्वारंटीन किया कि नहीं, अखिलेश जी ने किया कि नहीं, उनके परिवार ने किया कि नहीं, और सबसे कितनी कितनी कितना डराता है ये, कितना डराता है ये बयान, ये कितना डराता है। पहले कोरोना के काल में, दूसरे कोरोना के काल में जिस बीवी ने अपना पति खो दिया, जो बच्चा यतीम हो गया, जिस पिता ने अपने नौजवान बेटे को खो दिया इस कोरोना संक्रमण की वजह से, उनको आपकी बातें डराएंगी। आप जो कह रहे हैं कि डिंपल जी ने अपने आप को क्वारंटाइन कर दिया, अखिलेश जी को जैसे ही पता लगा वो भी अपना क्वारंटाइन हो गए, और ये लाखों की भीड़, ये लाखों की भीड़, और आप कहते हैं कि जन समर्थन हमें नहीं मिल रहा, ऐसा आरोप हमारे जो विपक्षी दल हैं वो पर लगाएंगे। आप तीनों की बातें देश की जनता ने सुनी, तीनों की बातें। प्रवेश तिवारी साहब ने कहा कि रैली हो रही है लेकिन व्यवस्था बहुत मजबूत है, रात में व्यवस्था मजबूत है, पुलिस पूरा पालन करा रही है नाइट कर्फ्यू का, दिन में व्यवस्था पूरी मजबूत है, नेता रैली कर रहे हैं और गज की जो दूरी है वो भी है, मास्क लगा है, गमछा लगा है, सब व्यवस्थाएं हैं, कोरोना छू अंतर है, ये कोरोना में अंतर है। और इसके साथ ही साथ दीपचंद जी, आपको भी सुना मैंने, दीपचंद जी आपसे मैं बात कर रहा हूं मलेशिया की, और आप जा रहे हैं मदुरई, आपसे बात की जा रही थी कि कोरोना में इतनी भारी भीड़ तो आपकी रैलियों में भी नजर आती है, तो आप गोलमोल कर रहे थे कि विकास उनके में कितना हुआ, इनके में कितना हुआ, इनके में कितना हुआ, अगर लोग ही नहीं बचेंगे तो विकास का क्या करेंगे, या तो विकास भी मर जाएगा इस संक्रमण के खातिर। और आखिर में जब जावेद जी को मैं सुन रहा था तो जावेद खान साहब ने कहा है कि अगर रैली नहीं करूंगा, अगर हमारी पार्टी रैली नहीं करेगी तो यही लोग आरोप लगाएंगे, यही लोग कि देखो जन समर्थन नहीं मिला, और साथ ही साथ दूसरी लाइन में कह गए कि जनहानि ना हो यह हमारी पहली प्राथमिकता है। इन तीनों की बातें ऊपर तस्वीर, फुल स्क्रीन में तस्वीर लीजिएगा, आखिरी दफा जाते जाते जनता इस तस्वीरों को देखे और तीनों नेताओं ने जो बात कही है उसको भी जरूर सुने। ये जेपी नड्डा साहब हैं, ये इनकी रैली है और सामने भीड़ है, तो शादी में ऊपर जो टॉप बैंड चल रहा है उसको भी देखिए, शादी में 200 और रैलियों में कोई लिमिट नहीं, शादी में नहीं 200 पार, रैली में 9 बार, तो दिन में रैली की धूम, रात में कोरोना बूम। तो इसी के साथ आज नेताओं को लिया और साथ ही साथ डॉक्टर को भी लिया कि डॉक्टर आपको असलियत बताएं, क्योंकि नेता अपनी नेता नगरी करते रहेंगे। और तीनों नेताओं को आपने सुना, तीनों नेता एक दूसरे पर आज आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहे थे, आज पहली बहस हुई होगी जिसमें तीनों नेता आपस में नहीं लड़ रहे थे, तीनों नेता एक दूसरे पर छींटा कसी नहीं कर रहे थे, टीका टिप्पणी नहीं कर रहे थे, क्योंकि जिस शहद में आज कढ़ाई चढ़ी है उस शहद में ये तीनों नेता डुबकी लगा रहे हैं, मतलब तीनों पार्टियां डुबकी लगा रही हैं, मतलब हर कोई इसी में रमा हुआ है। जनहानि प्राथमिकता नहीं, जन समर्थन प्राथमिकता है। और अगर जनता आज इन तीनों नेताओं को सुन रही है तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आपको आज डॉक्टर को सुनना चाहिए। हमारे साथ जो डॉक्टर साहब जुड़े थे, डॉक्टर नरेश चावला जी, आपको इनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और क्योर तो कोई है ही नहीं, तो प्रिवेंट करिए, स्वस्थ रहिए, सुखद रहिए और यूं ही जगमगाते रहिए। शुक्रिया।